गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करने वाले हैं हम आज रिव्यू हमारी बुलेरो का। हमने ये बुलेरो बेच दी है तो मैंने सोचा बेचते जाते जाते इसका एक रिव्यू बनाऊं, क्या मेरे अनुभव, क्या मेरे एक्सपीरियंस रहे इस गाड़ी के साथ। तो थोड़ी सी हल्की सी ड्राइव लेके उसको आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसका रिव्यू करता हूँ। ऑडोमीटर दिखाना है कितनी चल चुकी है। ये अभी चल चुकी है 1,45,820, 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल है, 2013 मॉडल है। खड़े में दिखा देना, कोई इशू नहीं। तो इसमें जो मेजर प्रोज एंड कॉन्स हैं वो मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या है इसमें। मेरे पास अल्टो थी और उसके बाद है मेरे पास ये बोलेरो। तो बोलेरो अल्टो में मेजर जो है डिफरेंस मुझे लगा वो है यार इकोनॉमिकल। क्या अल्टीमेटली अपन लोग ये सोचते हैं कि ये फाइनली कितना देती है, दिखाता हूँ। और मैं बता रहा था आपसे कि अल्टीमेटली बोलेरो और अल्टो में जो मुझे मेजर डिफरेंस लगा वो ये है, जो अपन लोग सोचते हैं कि कितना देती है माइलेज। तो डीजल पेट्रोल के रेट्स में ज़्यादा डिफरेंस रहा नहीं। अब डीजल में ये देती है 13-14 और वो देती है 23-24, तो काफ़ी बड़ा अंतर है। इकोनॉमिकली वो ज़्यादा अच्छी है और सस्ती है ख़रीदने में भी, और माइलेज भी ठीक है। और इसमें जो खास बात है ये है एक रफ़ एंड टफ़ गाड़ी, जो काफ़ी लंबे समय तक, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि 5-6-7 साल होने के बावजूद भी ये गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी लग रही है, चलने में भी ठीक ठाक है। मेंटेनेंस थोड़ी सा महंगा है उससे, इसके टायर्स थोड़ी महंगे हैं लेकिन हैवी हैं, स्टेबिलिटी इसमें अच्छी है। तो मैं लेट्स दिखाता हूँ आपको इसका वॉक अराउंड व्यू। मेरे साथ बहुत सारे लोग आए हैं इसको दिखाने, आप लोगों को दिखाने के लिए। तो देखिए फ़िलहाल ये देखने में ठीक ठाक लग रही है, थोड़ी सा स्क्रैचेस आ गए हैं तो यहाँ पे बस थोड़ी सी वो लग रही है कि ये पुरानी गाड़ी हो गई, बाकी नहीं तो ये ठीक ठाक कंडीशन में लग रही है 7 साल होने के। इसमें यार अभी इसकी जो सीटिंग पोजीशन सीट्स वगैरह हैं वो वही है जो अभी कंपनी से 7 साल पहले आई थी, वही कम है और काफ़ी अच्छी कंडीशन है इसकी। तो इसकी जो इंटीरियर डिज़ाइन है वो सारी चीज़ें वेल मेंटेन है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा अभी कि जो ख़राब हुआ हो ज़्यादा। और इसकी इंजन भी मैं बताऊँ आपसे कि अभी तक खुला नहीं है, इंजन पंप इसका बराबर चल रहा है, तो इस हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक गाड़ी है। बस इसमें आपको अगर आप इकोनॉमिकली अफोर्ड कर सकते हैं, आपको कमर्शियल यूज के लिए चाहिए हो तो ये गाड़ी बढ़िया है, और अगर आप पर्सनल यूज के लिए लेना चाहते हो और आप एक सामान से बिलोंग करते हैं, फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप उसको मेरे हिसाब से फिर आप कार में जा सकते हैं। कार थोड़ी ज़्यादा माइलेज देती है, डीजल की कार होगी तो और ज़्यादा माइलेज देगी, क्योंकि हालांकि सुना है कि 2020 मार्च से कुछ से डीजल कार बंद हुई हैं, जैसे स्विफ्ट डिजायर वगैरह, बलेनो डीजल मारुति की। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएंगी मार्केट में, सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाएंगी। यार अपन तो देखो उसी टाइप के आदमी हैं, सेकेंड हैंड भी जुगाड़ करते रहते हैं। तो इसका बाकी चीज़ें अच्छी हैं, मैं इसको आपको और अंदर से दिखा देता हूँ अभी खोल के। आप इसकी अंदर की कंडीशन भी देख सकते हैं, कहीं से भी अभी ऐसा ऑयल वगैरह लीकेज नहीं दिख रहा है, देखो। तो इंजन पंप की जो मैं बात कर रहा था इसकी, वो भी बहुत बढ़िया है, अभी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ी सी दिक्कत आई थी सेल्फ, कभी कभी ये मिस करता था, किट किट की आवाज़ आती थी और सेल्फ छोड़ देता था। और मुझे लगा मेरी गाड़ी है, फिर चलते हैं वापस। तो हम लोग इतने लोग मिल के आए थे, हमारे भाई साहब और छोटे द्रव और सच्चू, इतने लोग मिल के आए थे थोड़ी सा घूमने भी और इसका एक रिव्यू बनाने। हम गाड़ी ये सब बताया आपको कि बेच चुके हैं ये। आप लोगों से एक वो है, अगर आप इसके बारे में थोड़ी सा एक्सपीरियंस रखते हो तो मुझे सजेस्ट करिएगा कौन सी गाड़ी बेहतर रहेगी लेने के लिए, तो वो गाड़ी मैं एक और अगर आप बता सकें, कोई अगर सेकेंड हैंड गाड़ी मिड रेंज में डीजल में, जैसे कि स्विफ्ट VDI है, स्विफ्ट डिज़ायर है, या फिर एक्सेंट है हुंडई की, ऐसी कोई कार अगर आप लोगों की पास हो या नज़र में हो तो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करिएगा, तो मैं लेना चाहूँगा। आई एम इंटरेस्टेड टू बाय दीज इकोनॉमिक बाई कार्स। थोड़ी सा माइलेज का इशू है मेरे साथ, इसलिए मैं इसको मैंने बेचा है और कुछ नहीं है। बाकी बढ़िया गाड़ी है, रफ एंड टफ है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए बहुत ही अच्छी है, मेंटेनेंस बहुत सस्ती कार है, उसको छोड़ दें तो बाकी मेंटेनेंस भी इसका ज़्यादा महंगा नहीं है। और
गाड़ी अच्छी लगी, बस थोड़ी सा माइलेज का मैं जो बता चुका हूँ आपको वही है और नथिंग एल्स। तो अब अपन पहुँच रहे हैं अपने घर के पास। कार और बड़ी गाड़ी में एक थोड़ी सा डिफरेंस रहता है, जैसे अल्टो से कंपेयर करते हैं तो स्टेबिलिटी अच्छी रहती है इस गाड़ी इन गाड़ियों में।